शुरुआत आपसे करता हूं, मामला यूपी का है, सुशील भाई भी वहीं से आते हैं, लेकिन चूंकि आप मंत्री रहे हैं सरकार में, तो ये जो पूरा है वो जो मंडल और कमंडल का भी एक दौर था, और अयोध्या को लेकर जो कुछ एक उसको कैश कराने का प्रयास भरपूर हुआ, और आज जो हालात है, ना तो वहां साहेब पहुंच रहे हैं, ना वहां उस तरफ सुध हुई है, ना कोई वो मन की बात अब जब करेंगे करेंगे, लेकिन कोई वहां से जो आ सकता था कुछ की कोई एक एक बयान आ जाता, ट्वीट तो खूब किया करते हैं एक्स जिसे हम कहते हैं, ना हमें बाबा साहब का दिखा है, योगी आदित्यनाथ साहब का, ना साहेब का दिखा है मोदी जी का, और वहां जनता परेशान है, उसके जो दर्द है वो दर्द भी मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं आगे चीजें दिखाना चाहूंगा और फिर आगे टिप्पणियां लूंगा। पहले शुरुआत बहुत बहुत अशोक जी। शुक्रिया संजीव जी, नीलू जी, बाकी सभी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये जो जड़ है, पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट में 2 मिनट में ब्रीफ कर दूं, ये सारा झगड़ा जो अयोध्या का है, ये मंडल का कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हुआ, बहुत लंबी बहस के बाद, 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, तो वो मंडल काबू में नहीं आ रहा था। ये लग रहा था कि 85% वोट दरक जाएगा, उसके एवज में ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। तो एक एक्शन का रिएक्शन था, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ, अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर चले और वो कहाँ कहाँ रुकी, वो सब एक बहस का मुद्दा है, लेकिन इसके बुनियाद में आरक्षण था, मंडल कमीशन था, और आरक्षण अभी भी आया इसलिए इनका राम मंदिर पर जोर था। आपको मालूम है, जब ये कहा गया, जब वो संविधान की किताबें दिखाई जा रही थी पूरे चुनाव में, तो सिर्फ इसीलिए दिखाई जा रही थी कि ये संविधान ऊपर रहेगा, उसी संविधान को काउंटर करने के लिए मंदिर पर बहुत जोर दिया जा रहा था, और 85,000 करोड़ रुपया लगा। और आपको हैरत होगी, वो खबरें कहाँ गई कि प्लॉट जो है इतने महंगे हो गए अयोध्या में, वो खबरें कहाँ गई कि एक एक कलेक्टर को इंस्ट्रक्शंस थे चीफ मिनिस्टर के यहां से कि आप बसें भेजिए 100-100, और लोग जा रहे हैं, वहां होटल बन रहे हैं, वहां 5-स्टार होटल बन रहे हैं, जमीनें महंगी हो गई हैं, एक एक दिन में 10-10 करोड़ चढ़ावा आ रहा है, वो सब खबरें कहां गई? ये लोग कूद कूद के पहुंच रहे थे, और उसकी बुनियाद में एक टेक्निकल मिस्टेक ये भी हुई है, बताते हैं उसका बिना मुहूर्त निकाले सब कुछ हुआ है, ये भी इसके रिपरकशन है। राम मंदिर के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले बता दूं, और ये बात बता दूं आप लोगों को कि विध्वंस का वोट होता है, निर्माण का कोई वोट नहीं होता है। आप मेरी बात इसको गौर से सुनिए, विध्वंस का वोट होता है। जब झगड़े में कोई कंट्रोवर्सी में चीज होती है, जब ये कमंडल और आयोग चल रहे थे तब लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, जब निर्माण होने लगा तो उसका कोई वोट नहीं है। आज वहां जो विध्वंस हो रहा है, इसकी नाराजगी है, इसलिए वोट हुआ अगेंस्ट में। विध्वंस का वोट होता है, निर्माण का कोई वोट नहीं होता। ये मंडल कमंडल की लड़ाई है, और इस वक्त मंडल चूंकि आगे पहुंच गया है इसलिए कमंडल पीछे है। मैं 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, रोम रोम में है बसे हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे हैं जो, ये घड़ा के सर पास तीन में न पालिए, और राम जन्म भूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, आप हो सके तो मातृ भूमि को संभालिए। क्या बात, अयोध्या आप हारे, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने कितना प्रचार किया, कितना हुल्ला मचाया, आप रोज खबरों में फ्रंट पेज न्यूज छपती थी, आज 20 करोड़ चढ़ावा आ गया, आज 2 होटल का इनॉग्रेशन हो रहा है, जहाज उड़ रहा है, एक खबर नहीं है। आप सारी खबरें खुद बना रहे थे, खुद पैदा कर रहे थे। एक तो विशेष बात यह थी, इसी वजह से उतनी तेजी से मंडल कमीशन हुआ, उतनी तेजी से आरक्षण हुआ, उतनी तेजी से नौकरियां हुई। भाई अब आपको हो तो हो गया संभाले हुए, आप ये बताओ नीट में कोई चीज नीट बची? नीलू जी, नीट में अब कोई नीट बचा कुछ मामला? वो तो सब खुल रहे, जो आपके चेहरे, आप लोगों के चेहरे, वो सब जो चीजें मेरे ही है कि वो है ना, कि हम लोग तो ये कहते हैं कि मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, ये तस्वीर किसी लम्हे बदल सकती है, ये तो मुमकिन है कि मेरी आवाज दबा दी जाए, मेरा लहजा कभी फरियाद नहीं हो सकता। ये सारी बातें लाइमलाइट होंगी, बाकी पैनलिस्ट बताएंगे, मैंने ब्रीफ जो था वो बता दिया, उसके बाद ही हम लोग मिनिस्टर बने थे, तो हमें सारी चीजें और भी पता है।
अशोक सर से शुरुआत करूंगा। अशोक सर, जैसे हमने उसमें देखा कि अब लीपा पोती का प्रयास शुरू हो गया पूरी तरीके से, अब खासकर मैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पे सीमित अगर फोकस करके बात करूं, अभी हमने तो बाकी भी जगह देख रहे हैं हर तरह। जैसे हमने आज जब दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ वो उन्होंने कहा ये तो 2009 का था एयरपोर्ट, 2009 में लोकार्पित हुआ था, यानी 15 साल में गिर सकता है, ये ध्वनि वहां से निकलकर आई थी जब केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी बोल रहे थे। ऐसे ही मैं आज डीएम को सुन रहा था, डीएम कह रहे थे 176 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अब 176 mm बारिश कितनी होती है आप कल्पना करिए, वो उस पे वो बात, मतलब तो ये कैसे इसको, क्या ये सारा यही दब जाए? जैसे हमने देखा उज्जैन जो भी अभी मीनू जी कह रही थी महाकाल की नगरी देख ली, वैसा सब तरफ चल रहा है। अभी राजेश भाई ने जो बात की कि वहां जो कांड हुए कि एक महीना हो गया है, जहां जहां ये डबल इंजन है वहां सब लीपा पोती और सब हो जाया करता है, और जनता जो है वो जनता कुछ उसकी इतनी मेमोरी शॉर्ट है कि वो भूल जाती है। क्या आप मानिएगा कि यहां भी सब कुछ लीपा पोती और सब ऐसे ही होके खत्म हो जाएगा? शुक्रिया संजीव भाई, मैं एक बात कहता हूं कि पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, इस एहतियात से लेना जो फैसला लेना। क्या बात, एक्चुअली क्या है ये जो मीनू जी ने कहा कि इमेच्योर चाइल्ड, और राजेश भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये देखो आप जब भी आओगे सामने गुजरातियों की गालियां तो आपको भी सुननी पड़ेगी। गुजरातियों का हर मॉडल कमर्शियल मॉडल है, कोई उनसे आस्था से मतलब नहीं है, दे डू एवरीथिंग कमर्शियल। कमर्शियल में उनको फायदा हो, उनके जानने वालों को फायदा हो, इनको इस बात में भी शर्म नहीं है कि कहीं बनारस में सारे गुजरात के लोग काम करते हैं जो बड़ा पैसे वाले होते हैं, अयोध्या में सारा काम गुजरात के लोगों के पास था, तो ये काहे के लिए, ये फायदे लौट के आपके पास तक आते होंगे ना, तो आपका कोई आस्था से मतलब नहीं है, आपका कोई श्रद्धा से मतलब नहीं है, ये कहां कहां जहाज की वहां जरूरत थी। अयोध्या में कितने दिन फ्लाइट आती, लेकिन ऐसे बना दिया कि ये तो बहुत बड़ा शहर क्रिएट हो गया, जाने कितनी फ्लाइटें चलेंगी, जाने कितने लोग प्लॉट लेंगे, वो कहां है अब जो लोग रोज, आप ये सोचिए अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर को रोड शो करना चाहिए था, आपने उसे डिवेल्यूएट कर दिया, आप भरोसा नहीं कर रहे, आप खुद सारी चीज क्रिएट, बनारस की जीत नहीं है हार है। और एक राजेश भाई ने और बात कही कि पार्लियामेंट इस तरीके से जो चल रहा है इस वक्त, हम लोग तो इतने साल मिनिस्टर रहे हैं, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहा हूं, जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है, मुझे लगता है इस पार्लियामेंट अभी जो बनी है इसकी उम्र नहीं है ज्यादा, वक्त तो मैं तय नहीं कर सकता हूं लेकिन इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही, जो अभी बहस मुहावसा हो रहे हैं इसमें कोई कोई चीज आसानी से होगी नहीं, गए वो दिन खलील खान फाकते उड़ाते थे। ये पार्लियामेंट जो चल रही है पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से चलेगी, तो ये जितने बाई इलेक्शन सब होने हैं उसमें आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये बात सही है, राजेश भाई ने ये बात कही, आपके वो जो मुख्यमंत्री जिनका नाम ले रहे थे वो मेरे भी बहुत अजीज हैं, वो मुझे बहुत अंदर की बातें बताते रहते हैं। ये जो अब बाई इलेक्शन होने वाले हैं, आप ये देखिए कि बाई इलेक्शन में आपको हिंदुस्तान की जो रयाया है ना, जो जो मतदाता है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन अभी जो नीट में हुआ, जो बेरोजगारी में हुआ, जो एक्सीडेंट्स में हो रहा है, ये नतीजे आपको अब बाई इलेक्शंस में मिलेंगे। और एक छह महीने में इस पार्लियामेंट का कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है, इसको टाइम लिमिट जो राजेश भाई कह रहे थे, मैं 100% इसका इत्तफाक करता हूं कि हो सकता है ये जो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं मैं कर रहा हूं उससे थोड़ा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ये पार्लियामेंट अपनी पूरी उम्र नहीं बिता पाएगी। जिस वक्त के लिए चुन के आई है, यही हिंदुस्तान की आप डेमोक्रेसी की जीत समझना। और जनाब हेरिटेज जो होती है, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वो वक्त से अपने आप चलते हैं, हिस्ट्री अपने आप बनती है, हेरिटेज अपने आप बनती है। द्वारिका सोमनाथ सदियों से बने, वो तो उनका एक बीजेपी का आदमी कह रहा था कि जगन्नाथ जी जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। तो जब आप इतने नशे में हैं, जब आप इतनी बेहोशी में हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, अब इनका सर्वाइवल नहीं है। अब जो बहसें होंगी पार्लियामेंट में, पहले तो बैठा दिए जाते थे, अब जो हो रही हैं आप 10 दिन में देखिएगा कि क्या क्या नतीजे आएंगे, वो अब बहुत मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि ये उम्र पूरी देख पाएगा,
इसी में से लोकतंत्र निकलेगा और ये जो संघर्ष में लोग आए उनको दूसरा मौका मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है।